मनुष्य रूप में अवतार लेने का मेरा उद्देश्य आज पूर्ण हुआ। मनुष्य यदि चाहे तो अपने भीतर निहित संभावनाओं का उपयोग करके बड़े से बड़े चुनौती, बड़े से बड़े अंधकार से लड़ सकता है। आवश्यकता है तो केवल अपने भीतर समाहित भय और शंका का अंत करने का। स्त्री जननी है, अन्नपूर्णा है, योद्धा है और संहारक भी है। स्त्री का सम्मान करें। मेरे द्वारा महलसा के रूप में इन दुष्टों का अंत ये सिद्ध करता है कि जिस प्रकार हर स्त्री में महाकाली का एक अंश निहित है, उसी प्रकार मैं महाकाली भी इन सभी स्त्रियों का एक अंश हूं। और अब ये आप सब पर निर्भर करता है कि आपको महलसा बनकर अपने भीतर निहित अंधकार का अंत करना है या मल बनकर संसार में अंधकार को व्याप्त करना है। संभव हो तो मुझे क्षमा करना देगी। इस घटनाक्रम की उत्तरदायी कोई और नहीं, अपितु मैं हूं। नहीं देवी गंगा, इसमें आपका कोई दोष नहीं। ये तो हमारे द्वारा चयनित मार्ग और उनके परिणाम हैं। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया और परिणाम निश्चित है, और मनुष्य को ये बात स्मरण रखनी चाहिए कि देवी हो या देवता, कर्म और कर्म फल के चक्र से कोई परे नहीं। तो माता, क्या हम घर चल सकते हैं? किंतु हमारा क्या पुत्री? मैं जानती हूँ ये एक मोह माया का जाल है, किंतु मैं अपनी पुत्री और जमाता के बिना कैसे रह पाऊंगी? आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। यहाँ जजूरी में न केवल इस घटनाक्रम और महलसा की स्मृति उपस्थित रहेगी, अपितु साथ ही मारतंड और महलसा का अंश भी सदैव जागृत अवस्था में रहेगा। कैलाश लौटने का समय आ गया है। ये कैसा दृश्य था देव? कुछ नहीं गौरी, अब हमें कैलाश की ओर प्रस्थान करना चाहिए। इसका अर्थ है उसके आने का समय हो गया है। आने वाला महाअनिष्ट का संकेत है ये। कैलाश से ही महाकाली की यात्रा आरंभ हुई थी।
तब से लेकर अब तक कितना कुछ घटित हो गया ना गौरी। मैं आज अत्यंत प्रसन्न हूँ देव। जिस चक्र का आरंभ हुआ था वो आज पूर्ण हुआ और अब हम पुनः अपने घर लौट आए हैं। मुझे ज्ञात है देव कि इसी क्षण में महाकाली की यात्रा का अंत नहीं, अभी तो एक नए काल चक्र का आरंभ निहित है। मेरी वो भावना भी जुड़ी हुई है। और इस घटनाक्रम के पश्चात आपके और मेरे द्वारा किए कर्मों के फल हम दोनों साथ में मिलकर भोगेंगे देव। महादेव की जय, महाकाली की जय, महादेव की जय, महाकाली की जय, महादेव की जय। प्रभु, कितने समय पश्चात ये क्षण आया है जब आप दोनों कैलाश पर पुनः साथ हैं। मैं चाहता हूं ये क्षण अविस्मरणीय हो जाए। हम आपकी आरती करना चाहते हैं। हाँ महादेव, आपका पूजन करके हम धन्य हो जाएंगे और आपका आभार व्यक्त करने का अवसर भी प्राप्त हो जाएगा। कितने सौभाग्य की बात है कि देवराज के रूप में सभी देवी देवताओं की ओर से मुझे आप दोनों की आरती करने का अवसर प्राप्त हुआ। क्या हमें भी आपकी आरती में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा? संकोच कदापि ना कीजिए, यह आपकी पुत्री का ही स्थान है। मां, कैलाश आने का कोई विशेष कारण? विशेष कारण? मां का मोह है पुत्री। जब से तुम गई हो तब से हर पल तुम्हें याद करती रहती हूं। ये आरती, ये पूजन तो बस तुमसे भेंट करने का एक बहाना मात्र है। क्षमा कीजिए किंतु अब यह आपकी पुत्री नहीं। जो आपके समक्ष खड़ी हैं, वो महलसा नहीं जगत माता देवी पार्वती। मल और मणि को कर्म फल प्रदान करने के लिए माता ने आपकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, किंतु वो चक्र पूर्ण हो चुका है। कैलाश ही माता का निवास स्थान है और ये सत्य आपको स्वीकारना होगा। अब आप यहां ऐसे शुभ अवसर पर आ ही गई तो हम आपको लौटने के लिए नहीं कहेंगे। आपको भी सारथी में सम्मिलित होने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा, किंतु हम देवताओं के पश्चात, क्योंकि भले ही आप महलसा की माता हैं, किंतु हैं तो मनुष्य ही, देव नहीं। देवराज, किसी व्यक्ति का स्तर आपके समान नहीं तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप उनका तिरस्कार करेंगे। ये कैलाश है, यहाँ सब मनुष्य समान है और यदि माता मुझे अपनी पुत्री के रूप में देखती है तो इसमें अनुचित क्या है? महलसा मेरा ही अंश थी और जब तक मैं जीवित रहूंगी महलसा जीवित रहेगी।
इसलिए अपने मुख से शब्दों के बाण निकालने से पूर्व तनिक विचार कीजिए देवराज। किंतु माता, मैं तो केवल इनका परिचय वास्तविकता से करवा रहा था, वास्तविकता जिसमें आप इनकी पुत्री नहीं है। और यदि आज आपने इन्हें कैलाश आगमन पर प्रोत्साहित किया तो ये सदैव ही आपको अपनी पुत्री मानेंगे, देवी नहीं, देव राजेंद्र। अब आप कैलाश स्वामिनी को निर्देश देंगे कि उन्हें किस से किस प्रकार का व्यवहार करना होगा। नहीं महादेव, मेरा तात्पर्य वो नहीं था, किंतु मैं भी देवराज, मेरा भी चारों लोकों में सम्मान प्रतिष्ठा है, और यदि अपने विचार व्यक्त करने पर मुझसे आप ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे, मुझे स्वीकार्य नहीं। अपनी प्रतिष्ठा पर प्रहार होते देखना आपके लिए असहनीय, किंतु किसी और की प्रतिष्ठा का आपको भान भी नहीं। किंतु महादेव, बस देवराज, बस देवराज, बस देवराज। आपके अहंकार ने फिर से आपको अपने वश में कर लिया है, इसलिए अगली बार कैलाश में प्रवेश करने से पूर्व विचार अवश्य कीजिएगा। आने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, हम तो बस। मां निश्चिंत रहिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। महादेव का क्रोध धीरे धीरे बढ़ रहा है ब्रह्मदेव, अब वो क्षण दूर नहीं जब देवी पार्वती की वो कल्पना वास्तविकता में परिवर्तित होगी, वो शीघ्र ही यहां होगा। देवराज कहाँ जा रहे हैं आप? क्षमा कीजिए माता, किंतु इस समय मेरा यहाँ से चले जाना ही उचित। जब मेरा मन स्थिर होगा मैं स्वयं ही कैलाश लौट आऊंगा। अवश्य देवराज, आप पुनः कैलाश लौट सकते हैं, किंतु उससे पूर्व मैं आपको इस बात का आभास करवाने आई हूँ कि महादेव का क्रोध आप पर निराधार नहीं था। मैं सहमत हूँ महलसा के माता पिता को महलसा से विरक्त होना आवश्यक है, किंतु आप स्वयं बताइए देवराज, क्या कदाचित आप विरक्ति के मार्ग पर स्वयं चल पाए हैं? क्या आप अपनी यश शक्ति और बल से आसक्त नहीं? और कदाचित यही आसक्ति कारण है कि आपने आज उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। हाँ माता, कदाचित मुझसे भूल हुई, मैं अभी जाकर महादेव से क्षमा मांगता हूं। देवराज, क्रोध ज्वाला की भांति होता है, जिसे यदि वश में न किया जाए तो उसे प्रचंड होने में समय नहीं लगता और स्वयं धीरे धीरे शांत होता है। मेरा सुझाव मानिए, आप प्रथम अपने क्रोध को नियंत्रण में कीजिए, उसे शांत कीजिए, फिर एकांत में बैठकर इस बात पर विचार कीजिए कि आपके कर्म आपको किस दिशा में लेके जा रहे हैं। उसके पश्चात ही आप महादेव से कैलाश में क्षमा मांगने आइएगा। नारायण, देवी पार्वती के सुझाव से सिद्ध होता है
कि इंद्रदेव अपनी भूल मानने को तैयार नहीं। और कैलाश लौटने से पूर्व इंद्रदेव का अपनी भूल को स्वीकारना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा कालचक्र में एक ऐसा घटनाक्रम आरंभ होगा जो समस्त संसार के लिए विनाशकारी होगा। यहां समय व्यर्थ करने का कोई लाभ नहीं। कैलाश जाकर महादेव से क्षमा मांगकर इस घटनाक्रम का ही अंत कर देता हूं। इस द्वारपाल को विश्राम करने के लिए कोई अन्य स्थान नहीं मिला, और यदि तुम्हें विश्राम करना ही है तो किसी अन्य स्थान पर जाकर करो। ये महादेव और माता पार्वती के निवास का प्रवेश द्वार है, और इस प्रकार तुम आगंतुकों का मार्ग अवरुद्ध कर रहे हो। हटो यहां से। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा हटो यहां से। सुनाई दिया, किंतु अभी मुझे तुम्हारा उपदेश सुनने में कोई रुचि नहीं। जब मेरी निद्रा पूर्ण होगी उसके पश्चात आना। अभी जाओ यहां से। क्या एक तुच्छ अवधूत मुझे आदेश देगा? तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूं। अरे जो भी हो तुम, कहना, मैं अभी नहीं हटूंगा। जब मेरी निद्रा पूर्ण होगी उसके पश्चात आना। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा। ये कैसी विचित्र अनुभूति है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कुछ अनिष्ट घटित होने को है। अन्यथा क्या अपने शस्त्र से मेरा अंत कर दोगे? देवराज इंद्र, आपके मार को अवरुद्ध करने की इतनी छोटी सी बात ने यदि आपको शस्त्र उठाने पर विवश कर दिया तो ये तो निश्चित है कि आप कैलाश में प्रवेश करने योग्य नहीं। जाइए, पहले अपना अहम और अहंकार त्याग दीजिए, उसके पश्चात कैलाश में प्रवेश करने का प्रयास करना। क्योंकि जब तक मैं यहां पर हूं आप कैलाश में प्रवेश नहीं कर सकते। बस बहुत हुआ, अब तुम मुझे आदेश दोगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अपने इस दुस्साहस से न केवल तुम मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हो अपितु तुमने मेरा, देवराज इंद्र का तिरस्कार भी किया है। इसका दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। कैलाश से जाने से पूर्व मैंने तुम्हें सतर्क किया था कि तुम्हें अपने अहम और अहंकार का त्याग करना होगा। देवी पार्वती और मैंने तुम्हें कई बार सतर्क किया, किंतु तुमने हमारी चेतावनी को अनदेखा किया। ये तो मात्र एक परीक्षा थी, जिससे ये सिद्ध हो गया कि तुमने अपने अहंकार का त्याग अभी तक नहीं किया। अब तुम्हें अपने कर्मों का कर्म फल भुगतना होगा। We'll be right back.
खोल दिया। क्षमा महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी। क्षमा महादेव। महादेव, रुक जाइए देव। मैं मानती हूँ देवराज दंड के भागी हैं, किंतु इस भूल के लिए मृत्यु दंड देना न्याय नहीं देव। क्षमा कर दीजिए। जो एक बार हो उसे भूल कहते हैं, किंतु जो अनेकों बार हो वो अपराध का रूप धारण कर लेता है। क्षमा भूल के लिए की जाती है, किंतु अपराध के लिए केवल दंड होता है। हम दोनों ने अनेकों बार इंद्रदेव को पश्चाताप करने का अवसर प्रदान किया, किंतु जब व्यक्ति अहंकार के वश में हो तो उसका यथार्थ से परिचय कराना आवश्यक हो जाता है। किंतु देव, तनिक विचार कीजिए। देवराज की अनुपस्थिति में समस्त संसार में अराजकता और अव्यवस्था व्याप्त हो जाएगी। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, अब कैसा कहेंगे मैं करूंगा। मेरी रक्षा कीजिए माता, मेरी रक्षा कीजिए। हम शिव और शक्ति हैं देव, इसलिए संसार से जुड़ी प्रत्येक घटना का सीधा संबंध हमसे है। देवराज की इस भूल के लिए हम उन्हें दंड न देकर उनका मार्गदर्शन भी तो कर सकते हैं, उन्हें एक अवसर प्रदान कर सकते हैं, उन्हें क्षमा कर सकते हैं देव। इसलिए शांत हो जाइए देव, शांत हो जाइए। देवराज, जो घटनाक्रम घटित हुआ वो इस कालचक्र के लिए महत्वपूर्ण है। देव, आपकी तीसरी नेत्र से निकली इस ऊर्जा का समाधान करना होगा। मेरे तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुई इस ऊर्जा को ना तो वापस लेना संभव और ना ही इसे ब्रह्मांड में जाने दिया जा सकता है, अन्यथा यह अत्यंत विनाशकारी सिद्ध होगी। तो मेरी कल्पना का तात्पर्य ये था। हाँ गौरी, मेरी इस ऊर्जा की शक्ति और ऊष्मा को केवल समुद्र का जल ही धारण कर सकता है, इसीलिए मैं स्वयं इसे समुद्र को समर्पित करता हूं।
मैं अपने व्यवहार से आश्चर्यचकित भी हूँ और लज्जित भी। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आप दोनों का दोषी हूँ। इंद्रदेव, आपने अपने कुकर्मों से ना केवल देवराज के पद का तिरस्कार किया, अभी तो उसकी गरिमा को भी दुर्बल बना दिया। अब तुम्हारे इस कुकर्म का फल समस्त संसार भोगेगा। नहीं प्रभु, नहीं, मेरे कुकर्मों का परिणाम समस्त संसार नहीं भुगत सकता। देवराज, आपके कर्मों का प्रतिफल आज आपको मृत्यु के रूप में प्राप्त होने वाला है। आपको मृत्यु दंड से बचाने के लिए समय रेखा में परिवर्तन हुआ और एक नई समय रेखा का जन्म हुआ। राजा के कर्मों का फल प्रजा के भाग्य से जुड़ा होता है। देवराज, राजा के अच्छे कर्मों से प्रजा को लाभ होता है और राजा के दुष्कर्मों की पीड़ा प्रजा को भोगनी पड़ती है। तुम्हें तो ज्ञात भी नहीं इंद्रदेव कि इस बार ये घटना संसार के समक्ष किस संकट के रूप में प्रकट होगी। ये बालक शांत क्यों नहीं हो रहा? हे नारायण, इस शिशु को शांत करने का कोई उपाय बताइए। रुक जाइए नारायण, आप सृष्टि के संचालक हैं, सृष्टि का रचयिता होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है। पाद ब्रह्मदेव, धन्यवाद ब्रह्मदेव, शिशु का क्रंदन शांत हो गया। ब्रह्मदेव, कदाचित अपने कर्म चक्र के आरंभ से पूर्व ये शिशु एक वरदान मांगना चाहता है और इसीलिए संसार के संचालक के स्थान पर इस शिशु ने संसार के रचयिता को अपनी ओर आकर्षित किया है। यदि मुझे यहाँ बुलाने का यही कारण है तो ठीक है, मैं इस शिवान शिशु को ये वरदान प्रदान करता हूँ कि ये शिशु भविष्य में अदम योद्धा बनेगा। रामदेव के आशीर्वाद से यह घटनाक्रम एक विकट रूप ले रहा है। वास्तविकता में यह शिशु अब संसार में अजय। साथ ही यह आशीर्वाद भी देता हूं कि महादेव के अतिरिक्त इस संसार में कोई भी व्यक्ति और शक्ति तुम्हें समाप्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुम महादेव की क्रोधाग्नि से जन्मे हो। अब उसे जाने दो। ठीक है, अंतिम आशीर्वाद के रूप में मैं तुम्हें
ये वरदान प्रदान करता हूं कि स्वयं महादेव भी अपने त्रिशूल से तुम्हें समाप्त नहीं कर पाएंगे। नारायण, यह कैसा विचित्र शिशु है, इतना शक्तिवान कि इसने स्वयं ब्रह्मदेव के नेत्रों से अश्रु छलका दिए। हाँ समुद्रदेव, क्योंकि यह कोई साधारण बालक नहीं अपितु इस बालक में महादेव के तीसरे नेत्र की ऊर्जा निहित है। यह तो मेरा सौभाग्य है कि स्वयं महादेव ने इसके पालक के रूप में मुझे चुना, किंतु नारायण यह संसार इसको किस नाम से पुकारेगा। जिस शिशु ने अपने जन्म के साथ ब्रह्मदेव के नेत्रों से जल बहा दिया, महादेव के इस ऊर्जावान अंश को जलंधर के नाम से जाना जाएगा। समुद्रदेव, महादेव ने आपको इस बालक के अभिभावक के रूप में चुना है और इसीलिए इस बालक के बड़े होने तक यह आपका उत्तरदायित्व है। क्या हुआ समुद्रदेव? इतनी प्रचंड शक्ति को मैं कैसे संभालूंगा नारायण, और कैसे सुनिश्चित करूंगा कि आयु के साथ साथ इसकी शक्ति भी अपने चरम तक पहुंचे। समुद्रदेव, ये शिशु महादेव के तीसरे नेत्र की अग्नि और समुद्र जल का समागम है और इसीलिए जल सदैव इस शिशु की शक्ति होगा। कुछ वर्ष बाद इस शिशु की शक्तियां अपने चरम शिखर पर होंगी और तब स्वतः ही इस शिशु को अपनी ऊर्जा और जल से अपने विशेष संबंध का ज्ञान होगा। किंतु एक बात स्मरण रहे समुद्रदेव, प्रकृति में अग्नि से शीघ्र कोई तत्व नहीं फैलता। इस शिशु के रूप में महादेव की क्रोधा अग्नि ने साक्षात जन्म लिया, इसीलिए शिशु की वृद्धि किसी साधारण बालक के भांति नहीं होगी। आपने जब से उस ऊर्जा को जल में विलीन किया है, आपने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा, कोई बात ही नहीं की। क्या हुआ देव? गौरी, जिस क्रोध की वृद्धि मेरे भीतर हो रही थी उसका निष्कासित होना निश्चित था और उसका केवल एक उद्देश्य विध्वंस, और उस ऊर्जा के परिवर्तित रूप में उसके दुष्परिणाम हमारे समक्ष आएंगे, क्योंकि उसकी नियति केवल एक ही है, विध्वंस। इस घटनाक्रम में हम दोनों को अपने अपने स्तर पर स्वयं को सिद्ध करना होगा, उस परीक्षा के लिए सज रहना होगा जिसका सामना हमने आज से पहले कभी नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा महाकाली का स्वरूप ही
इस संकट का उपाय करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। शिवांश के रूप में इतना अनमोल वरदान प्राप्त हुआ है जो महादेव का प्रतिरूप है। यदि मैंने इसे सत्य बता दिया तो संभव है ये मुझे छोड़कर चला जाए। नहीं, मैं इतनी सरलता से इस वरदान को नहीं जाने दूंगा। उत्तर अवश्य दूंगा पुत्र, किंतु पहले एक पिता अपने पुत्र को मन भर के देख तो ले। मैं समुद्र देव हूं तुम्हारा पिता, और तुम्हें अपने समक्ष देख के स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूं। आप मेरे पिता प्रणिपात पिताश्री, किंतु ये महादेव, मुझे ज्ञात है पुत्र कि तुम्हारे मन में अनगिनत प्रश्न चल रहे हो मुझे लेकर और स्वयं अपने अस्तित्व को लेकर, किंतु इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ, एक पिता होने का अनुभव लेना चाहता हूँ पुत्र। अब तुम्हारे इस कुकर्म का फल समस्त संसार भोगेगा, ऊर्जा के परिवर्तित रूप में उसके दुष्परिणाम हमारे समक्ष आएंगे, क्योंकि उसकी नियति केवल एक ही है, विध्वंस। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी पहेली का कोई भाग कहीं छूट गया है। ऐसा लग रहा है मानो सत्य मेरे समक्ष है, मुझे पुकार रहा है, किंतु मैं ही उसे समझ नहीं पा रही। प्राणिपात माता, क्या बात है माता, सब कुशल तो है? आप चिंतित लग रही हैं। नहीं पुत्र, सब कुशल है, किंतु एक लंबे समय के पश्चात मुझे एक विचित्र अनुभूति हो रही है जो स्पष्ट नहीं। ऐसा लगता है सत्य मेरे समक्ष है,
किंतु फिर भी मुझे उसे ढूंढना होगा। माता, पिछली बार जब आप इस प्रकार व्यथित हुई थी तब आपने महाकाली का रूप धारण किया था। मुझे विश्वास है यदि इस बार भी आपको समान अनुभूति का आभास हो रहा है तो सब कुशल ही होगा। नहीं नंदी, ये अनुभूति भिन्न है और इसका संबंध मुझसे नहीं महादेव से है, किंतु वो क्या है मैं समझने में सक्षम नहीं। माता, जब मैं व्यथित होता हूँ तो अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं महादेव के समक्ष जाके बैठ जाता हूँ। मेरे प्रश्न उनके समक्ष आते ही स्वतः ही सुलझ जाते हैं। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जो कुछ घटित हो रहा है वो इस क्षण की वास्तविकता है। सब कुछ तुम्हारे भीतर निहित है गौरी। आपने उचित कहा महादेव, कदाचित कोई तो कारण है कि मेरा वो स्वप्न अधूरा है, और यदि ये सत्य आपसे संबंधित है तो फिर निश्चित ही मुझे स्वयं के भीतर झांकना होगा। अब क्या होगा महादेव? शीघ्र ही देवी पार्वती को जलंधर के अस्तित्व के विषय में भान हो जाएगा, किंतु तब तक जलंधर की स्वयं की जीवन यात्रा का क्या? नारायण, जलंधर का उद्भव मेरी ऊर्जा से हुआ और अवश्य उसमें ब्रह्मदेव का वरदान भी समाहित है, किंतु फिर भी उसे अपनी शक्तियों का आभास होने में समय लगेगा। अर्थात एक ना एक दिन जलंधर को अपनी शक्तियों का भान होगा। अवश्य नारायण, जलंधर का जन्म क्रोध और नकारात्मकता से हुआ है, इसीलिए उसे विध्वंस की परिभाषा नहीं समझाई जा सकती, क्योंकि विध्वंस तो जलंधर की प्रवृत्ति। बताओ कहाँ है वो? हमें ज्ञात हुआ है शक्ति का एक स्रोत जन्मा है जिसका तुम अपने पुत्र की भांति पालन पोषण कर रहे हो। कहाँ है वो? जाओ शांति पूर्वक हमें उसे सौंप दो, हम तुम्हारा तनिक भी अहित नहीं करेंगे। यदि तुम अपने प्राणों से प्रेम करते हो तो इसी क्षण यहाँ से चले जाओ। हमें मूर्ख बना रहे हो? भला एक बालक हमारा क्या अहित करेगा? कहाँ है वो? अन्यथा रुक जाओ। आपने सदैव मुझे आत्मविश्वास का मार्ग दिखाया और अब मैं आश्वस्त हूँ कि पिछले कुछ दिनों में मैंने अपनी परिकल्पना में जो कुछ भी देखा उसका संबंध आपसे और आपके तीसरे नेत्र से निकली उस ऊर्जा से ही है। कदाचित अब समय आ गया है कि मुझे इस तथ्य का ज्ञान हो, ताकि उस ऊर्जा से भविष्य में आने वाले संकट के लिए मैं सज्ज रह सकूं। आप है या फिर ये आपका अन्य अवतार है या फिर आप ही का कोई अन्य स्वरूप जिसका जन्म होना शेष है? क्या है ये महादेव? ऊर्जा के परिवर्तित रूप में उसके दुष्परिणाम हमारे समक्ष आएंगे, क्योंकि उसकी नियति केवल एक ही है, विध्वंस।